बट खत्म कर देंगे यार इसको फेब का तो टारगेट लेके चल रहा हूँ तो खत्म कर देंगे तो इसको थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी से रैपअप करने का ट्राई कर रहा हूँ बट अगेन से पॉसिबल हो रहा तो ये वीक में थोड़ा सा है तो, अगले वीक का तो पता नहीं है बट आई ट्राई टू स्ट्रेच एटलीस्ट अपू थर्टीन टू फोर्टीन चैप्टर बाई दिस वीक वो भी अगर हो गया तो भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मुगल्स तक का जो है वो खत्म हो जाएगा बट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते ऑलरेडी टाइम इज अ अंस्ट्रेन ओवर हियर सो विल जस्ट बी मूविंग फॉरवर्ड लाइव लेक्चर अगेन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो दिस इज अ रिकॉर्डेड सेक्शन अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू नो वेयर टू रीच मी राइट यू कैन जस्ट बेसिकली

कि कि हिंदी हिंदी में में है वो वो होना चाहिए तो अभी तक वो constraint था ही इन इंग्लिश well चल रहे थे बट कंटेंट जो है वो मेजरली इंग्लिश में ही जा रहा था राइट right? तो वो वाला लैक्यूना दूर करने के लिए अल्टीमेटली स्टडी आईक्यू में

एंड अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हो प्रॉपर हिंदी नोट्स एंड आफ्टर हिंदी मीडियम से पूरा का पूरा, दिस इज अ बैच फॉर यू इसका जो बेसिकली क्लोजिंग डेट है वो अब रहेगा एक हफ्ते भर तक बट कल से ये बैच जो है बेसिकली चालू हो रहा है

So now we'll move forward to the next aspect that is administration of the Delhi Sultanate. That is what chapter number eight is all about. And for administration, तक जहाँ की बात अब ancient India में हमने देख लिया था कि एक central होता है, thereafter एक provincial administration होता है, and thereafter फिर एक local administration होता है. जैसे ancient India में हमने देखा था कि center level पे एक king है, and फिर king की एक council of minister है. Thereafter फिर provincial level पे हमने देखा था कि पहले province होगा, फिर district होगा. ज लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली होगा प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल पे वैसे ही सल्तनत पे भी है तो ज्यादा इसमें डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए बस यहाँ पे एक सुल्तान है एंड सुल्तान का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको हम बोलेंगे चिहल गनी बट सिंस दिस इज बिसन मीडियवल इंडिया में इन्होंने अच्छा खासा अपने बारे में लिख के रखा है तो हमको ये चिहल गनी जो है इनका जो डिपार्टमेंटलाइजेशन जो हमने पहले देखा था कि बाल के अराउंड हुआ था ये जो डिपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है उसमें डिपार्टमेंट है इंपॉर्टेंट तो सुल्तान को असिस्ट करने के लिए जो उसकी नोबिलिटी हुआ करती थी उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट जो है वो आ चुके हैं तो ये डिपार्टमेंट में कुछ कुछ आपने सुने भी होंगे एक तो सुना होता है वजीरत दीवाने वजीर फिर हमने कुछ कुछ और देखे भी थे जैसे दीवाने कोही दर आफ्टर फिर दीवाने बंदागन दीवाने अर्ज तो ये जो मिलिट्री डिपार्टमेंट जो दीवाने अर्ज होगा या फिर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट दीवाने कोही दीवाने बंदागन मतलब स्लेव डिपार्टमेंट तो ये जो डिपार्टमेंट जो है ये डिपार्टमेंट सेंट्रल लेवल पे हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक मिनिस्टर एंड फिर उसके ऊपर अल्टीमेटली सुल्तान ये सेंट्रल लेवल पे हुआ करता था एंड फिर प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल पे भी इनका वही सिस्टम बयानलाज चलता था एज तो फार एज प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल इज कंसर्न प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूनिट जो इनके हुआ करते थे वो बेसिकली प्रोविंस ही हुआ करते थे एंड फिर प्रोविंस के नीचे इनके भी डिस्ट्रिक्ट थे एंड डिस्ट्रिक्ट के नीचे इनका भी क्या है देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हम लोगों को मिला हुआ है एसआरएस प्रोविंसेस कंसर्न देन प्रोविंस को जो है ये लोग बेसिकली इक्ता या फिर सूबा बुला करते थे इसके नीचे फिर इन्होंने शिक बना के रखा था व्हिच वाज अ काइंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके नीचे अल्टीमेटली इन लोगों ने परगना बना के रखा था

ये जो जो है अभी के लिए बगदाद में बैठा हुआ करता था फिर खलीफा जो है वो बगदाद में बैठा हुआ करता था ही इज द हेड ऑफ द एंटायर इस्लामिक पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड देन अगर दिल्ली में एक नया सल्तनत आता है या फिर एक नया रूलिंग डायनेस्टी आता है देन ऑब्वियसली इनका एंड खलीफा का रिलेशन कैसे हुआ करता था ना हमेशा डिपेंड करता था किसके ऊपर द पोजिशन ऑफ द सुल्तान के ऊपर हमने देखा था कि ड्यूरिंग टाइम पे सबसे पहले प्रॉब्लम आया था कि he was a slave. And as a slave, सुल्तान तो नहीं बन पाओगे so basically to obtain एक तो एक या फिर मंशूर के अलावा आपको आपको लानी पड़ेगी जो है वो basically आपको आपका मास्टर देता था मंशूर जो है ये इस्लामिक खलीफा देता था अगर आपको मंशूर दिया गया है बैठा हुआ खलीफा ने आपको रूल करने की परमिशन दे दी है

इन लोगों ने जो बगदाद का खलीफा है उससे किंग थे. And starting from we can see that सल्तनत ने बगदाद की करना चालू किया था. हमने ये भी देखा था कि सईद डाइनेस्टी एंडर लोधी जो थी ये सईद well लोधी डायनेस्टी जो है ये हमेशा से ही बगदाद की सुजरइन एक्सेप्ट करके जो है वो रखा करते थे एंड फिर इन दैट कैपेसिटी

जज तो बेसिकली ये सारे जो फंक्शन पहले हिंदू किंग परफॉर्म करता था अब सुल्तान भी इंडिया में बाय लार्ज यही फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा जैसे किंग जो है हिंदू रिलीजन में या फिर एंशियंट टाइम में हमने देखा था धर्म वाली पोजीशन उसको आचार्य चाणक्य ने देके रखी थी वही वाली पोजीशन बाय लार्ज कंटिन्यू रखी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सल्तनत सुल्तान ने भी एंड सुल्तान जो है ही वाज बेसिकली द फाउंटेन हेड ऑफ द जस्टिस एंड द सुप्रीम अपील और सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील एज जुडिशियल साइट इज कंसर्न

इस्लामिक रूल में एज पर द शरिया जितने भी किंग के किंग है या फिर सुल्तान के जो बेटे right फिर capacity, ये जो जितने भी इस्लामिक सारे सारे है उनको अल्टीमेटली बेसिकली उनके मरने के बाद उनके बेटों में सिविल वॉर जो है वो होता ही होता था एंड ऑफ अंग हर एक टाइम पे कोई ना कोई तो बड़ा मेजर अपीवल जो है वो हुआ ही था ये मेजर अपीवल सबसे पहले इल्तमिश के मरने के बाद हुआ था जो बेसिकली देखा भी था हमने राकीन एंड रज़िया सुल्ताना का स्ट्रगल दर आफ्टर फिर रज़िया मरने के बाद उसके जो सक्सेसर है उनके लिए भी ये प्रॉब्लम था अल्टीमेटली बालबान बिकेम विक्टोरियस बट बालबान की जब मर मरा तो उसके बाद उसकी भी डायनेस्टी कुछ ज़्यादा चली नहीं नोबल ने अपना पावर दिखा दिया

उसके वजह से ये पर्टिकुलर रिलीजन में या फिर पूरी की पूरी थियरी ऑफ द किंगशिप में प्रॉब्लम जो है वो आए एंड फिर इसी के वजह से देर वेर ऑलवेज बैटल ऑफ सक्सेशन एंड फिर ये बैटल ऑफ सक्सेशन अक्रॉस सल्तनत हमको दिखे है मुगलों में भी दिखेंगे मुगलों में भी देर वॉज अ वॉर ऑफ सक्सेशन जब भी कोई भी बड़ा किंग मरता था एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर मुगल किंग के मरने से पहले ही इनमें वॉर चालू हो जाते थे तो हम बाद में देखेंगे भी कि ईधर अकबर या फिर वी कैन कंसिडर शाहजहान ये दोनों की पोजीशन इतनी प्रिकेरियस थी कि इनके दोनों के बेटों ने ही इनके खिलाफ बगावत कर दी एंड लास्ट टू टू थ्री इयर्स जो है इन्होंने अपने लाइफ के जेल में भी स्पेंड किए थे तो बाद में जाएंगे अकबर शाहजहा पे देखेंगे तभी बट नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन जो है वो भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में चलता था देर आफ्टर इनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके ऊपर भी फिर कमेंट किया है एनसीआर ने सतीश चंद्रा ने तो इन दैट कैपेसिटी ऑब्वियसली सुल्तान है तो अमीर लाइफ स्टाइल ही होगी तो इनके हाई स्टैंडर्ड हुआ करते थे बड़े बड़े कोर्ट जो है इन्होंने मेंटेन करके रखे थे हमने बालबान के टाइम पे देखा भी था कि ये कोर्ट में एक डिकोरम लाया था सजदा पाबोस वालेमनी से तो सजदा होगा पाबोस वाली सेरेमनी होगी इधर आफ्टर एक डिकोरम मेंटेन रखना है सुल्तान के सामने हंसोगे नहीं सुल्तान के सामने खड़े नहीं होगे तो दिस काइंड ऑफ दी बेसिकली सेरेमनीज के वजह से सुल्तान का और लोगों में बढ़ा एंड दैट और वॉज ऑलवेज दाइएस्ट वाटर मार्क ऑफ द सल्तनत कोर्ट वो और की वजह से सुल्तान का जो कोर्ट हुआ करता था इट ऑलवेज फेल्ट लाइक अ सेटलमेंट। एंड फिर इन दैट कैपेसिटी सुल्तान की नीड को फुलफिल करने के लिए अल्टीमेटली इन्होंने कारखाना सिस्टम भी डेवलप की तो रॉयल कारखाना जो है वो बनते थे ये रॉयल कारखाना जो है बेसिकली सुल्तान की हाउस होल्ड की जो नीड हुआ करती थी उसके लिए बनते थे सुल्तान के कपड़े हो सुल्तान का हारे मेंटेन किया तो हारेब में जो डिफरेंट औरतें इन्होंने मेंटेन किए उनके नीड्स हो सुल्तान के बहुत सारे बेटे हैं उनकी नीड्स हो रॉयल कोर्ट है देन रॉयल कोर्ट की नीड्स हो ये सारी की सारी चीजें अल्टीमेटली मार्केट से खरीदी नहीं जाती थी रॉयल कारखाना में प्रोड्यूस की जाती थी एंड फिर यही रॉयल कारखाना से अल्टीमेटली प्रोड्यूस जो है अल्टीमेटली किसके पास आता था

स्लेव जो है वो जमा किए थे एंड फिर ये स्लेव में से कुछ कुछ स्लेव जो है रॉयल कारखाना में एम्प्लॉय किए गए एंड देर आफ्टर फिर कुछ स्लेव जो है उनको बेसिकली मर्सिनरी बनाया गया था मतलब बेसिकली क्या बनाया गया था देन आर्मी मैन जो है वो बनाया गया था तो दैट इंस्टेंस इज द हाइएस्ट वाटर मार्क ऑफ द स्लेवरी इन दिस सल्तनत एंड फिर स्लेवरी के साथ साथ यही स्लेव का कारखाना में कैसे इस्तेमाल किया जाता था उसके ऊपर ये कारखाना जो है वो हैंडल करने के लिए एक सेंट्रल लेवल पे ऑफिसर भी होता था जिसका नाम था वकील ए दार तो वकील ए दार नाम का जो ऑफिसर है वो कारखाना को हैंडल भी किया करता था एंड दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू दी बेसिकली दी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सुल्तान जो काफी हाई हुआ करता था ड्यूरिंग द टाइम बीट इब्न बतूता या फिर बीट एनी अदर ट्रैवलर या फिर इंडिजीनियस ऑथर जैसे मिनहासराज हो जा हो जाए जियाउद्दीन बरानी हो तो सारे के सारे लोगों का वही कहना है कि दिल्ली एंड फिर सुल्तान का कोर्ट जो है वाज वन ऑफ द लेवेस्ट पॉसिबल कोर्ट द एंटायर इस्लामिक सल्तनत तो काफी अच्छा हो रहा था एंड फिर काफी अच्छा स्टेटस जो है सुल्तान का था

है, राइट right? फिर हमने देखा है कि दीवान दीवान एक को ही है। तो ये सारे सारे के सारे जो जो अपन uh, फिर एक बंदागन अभी जो हमने देखा था, राइट right? वैसे ही फिर एक हम लोगों को मिला है ये भी काफी है। सबके बारे में बात करेंगे simple. तो जो different, different जो department मिले right? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता था वजी

आपका मिनिस्ट्री का स्टेटस बड़ा तो वैसे यहाँ पर भी है अल्टीमेटली सुल्तान के आप जितना करीब रहोगे उतने आपके मिनिस्ट्री का स्टेटस जो हमेशा बड़ा होता था एंड फिर वॉट इज बेटर दीवान वजारत जो है वो हमेशा से फाइनेंस मिनिस्ट्री रही है एंड फिर सुल्तान को पैसे में तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा राइट एंड दैट्स वजीर जो है सिंस ही ऑलवेज क्लोजर टू द सुल्तान दैट्स द पोजिशन ऑफ द वजारत जो है ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में एज वेल एज मुगलों के एडमिनिस्ट्रेशन में बट जैसे ये जो अभी का प्राइम मिनिस्टर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर की चैलेंजिंग अथॉरिटी भी बैठी है जैसे राजनाथ सिंह हो सकता है नितिन गडकरी हो सकते हैं तो इन दैट कैपेसिटी इनको भी तो वही प्रॉब्लम हुआ कि सुल्तान तो है इन्हीं के नीचे नोबलमैन हैं बट ये नोबलमैन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतने पावरफुल बनते थे कि वो सुल्तान की पोजीशन को चैलेंज कर सकते थे जैसे वी हैव सीन कि जलालुद्दीन खिलजी के ही नोबलमैन था अलाउद्दीन खिलजी मार दिया एंड थ्रोन पे बैठ गया सिमिलरली जलालुद्दीन खिलजी ने भी किकावाद को मार दिया था एंडर ऑफ द थ्रोन पे बैठ गया था दिस वॉज नॉट सुल्तान के लिए हमेशा हेड होता था कि जो इंपॉर्टेंट मैन है उनके लिए या फिर उनको बेसिकली कर्ब या फिर उनको बेसिकली शांत कैसे किया जाए सिंस दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशन इनको हमेशा से सुल्तान जो है नीचा करने के लिए या फिर इनकी पोजिशन रिड्यूस करने के लिए अपने टाइम पे एक पोजिशन अपॉइंट किया करते थे दैट इज नाइब अपने ये वाली पोजिशन भी सुनी होगी तो नाइब का मतलब ये होता है डेप्यूटी तो अगर सुल्तान ने डेप्यूटी अपॉइंट कर लिया देन ऑब्वियसली ही विल बी द मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन एंड फिर इन दैट कैपेसिटी ये क्लोज रहेगा क्या नहीं रहेगा तो एक नाइब आपने सुना भी होगा बस उतना ही याद रखना है बालबान हमने देखा भी था कि बालबान की जो पोजीशन थी सॉरी गाइस ओके हाँ तो बालबान की जो पोजीशन थी फ्रॉम 1246 से लेके 1266 के बीच में इट वाज नाइब ओनली

ये मस्टर मास्टर वाली पोजीशन भी हमने देखी थी कि मस्टर मास्टर डार्क चेहरा सिस्टम ये कैसे चलती थी तो दैट्स हाउ अल्टीमेटली हमेशा जो डिपार्टमेंट बने हैं ये एक तो टाइम से रिलेटेड होंगे या फिर एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम जिसको बोला जाता है या फिर दे आर ऑलवेज रिलेटेड टू वी कैन से दैट काउंटर बैलेंसिंग एक्ट ऑफ द सुल्तान And then in that capacity, करने की कैपेबिलिटी इनके पास थी तो वैसे ही फिर वजीर जो है हमेशा से जो लिंचपिन होता था एडमिनिस्ट्रेशन का उसके पास कौन सी पोजिशन होती थी देन ये वकील के पास इम्पोर्टेंट पोजिशन होती थी And in that capacity, फिर फिर वजीर संभालेगा and फिर, revenue officer को को करने के लिए इसके पास जो जो है है दो auditor, मतलब एक after, एक वो होता था ये auditor general को आप मुस्ताफी बोलोगे इसको आप बोलोगे मुशरफ तो मुस्ताफी एंड मुशरफ जो है वो वजीर के नीचे वजीर को असिस्ट करने के लिए रहते थे and there after ये जो डिपार्टमेंट है ये ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था एक जमाने में यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट मौरियंस के अंदर भी काफी इलेबोरेटली डेवलप्ड हुए थे एंड फिर वैसे ही सारा का सारा जो किस्सा है या फिर वैसे ही बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो अल्टीमेटली इनके टाइम पे दैट इज सल्तनत के टाइम पे भी आए आफ्टर फिर दीवाने अर्ज अब ये दीवाने अर्ज इलेबोरेटली मैंने पहले ही डिस्कस करके रखा था दाग चेहरा सिस्टम एंड देर आफ्टर ये दाग एंड चेहरा सिस्टम को मैनेज करने के लिए मस्टर मास्टर वाला पोजीशन दैट इज दीवाने अर्ज ये बालबान ने बनाया था एंड फिर बालबान ने ये ट्विन एंगल से बनाया था कि वजीर को काउंटर भी करे एंड फिर जो मुगल सॉरी मंगोल वाला जो थ्रेट है ये मंगोल वाले थ्रेट को अल्टीमेटली काउंटर एक्ट करने के लिए आर्मी रिफॉर्म करने जरूरी थे तो उसके लिए फिर ये दीवाने दीवाने अर्ज़ वाली पोजीशन फिर अर्ज ही मस्टर मास्टर बना तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि दीवाने अर्ज़ जो है वो हमेशा से ही सुल्तान की रही है तो कमांडर इन चीफ कौन रहेगा तो हमेशा से ही सुल्तान रहेगा एन इन कैपेसिटी ये सबसे सिग्निफिकेंट है इसके नीचे आएगा ये मास्टर मास्टर वाला पोजीशन तो सबसे पहले सुल्तान सुल्तान क्यों इंपॉर्टेंट बिकॉज ही अ कमांडर इन चीफ उसके नीचे आएगा दीवाने अर्ज मतलब मास्टर फिर उनके नीचे आएंगे सारे के सारे मिलिट्री कमांडर जिनको एकता दिए गए हैं जिनको सर्टन नंबर ऑफ द आर्मी मैन मेंटेन रखने हैं तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नाउ तो दीवाने अर्ज आफ्टर ब्रांडिंग ऑफ दैट इज चेहरा सिस्टम एंड फिर इसके एक्चुअल पोजिशन एंड फिर बाकी के सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है वो भी बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने दे के रखे हैं तो सबसे पहले होता था दीवान रसालद ये जो दीवाने रसालत जो है उसका जो हेड हुआ करता था उसको आप बोलोगे सदर उस ये एक्चुअल में पोजीशन थी इंग्लिश में इसको आप बोलोगे चीफ सदर ये हम लोगों ने पहले ही देखा था कि सुल्तान के लिए ये जो रिलीजियस सेक्शन था वो हमेशा हेडेक वाला सेक्शन था And in that capacity, ये जो वाला जो सेक्शन है सुल्तान के लिए ये सेक्शन को अल्टीमेटली बेसिकली काउंटर एक्ट करने के लिए सुल्तान ने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो है वो भी किए थे जैसे ये जो religious section, ये उलेमा और काजी लोगों से भरा हुआ था उलेमा जो है वो कौन होते हैं ये इस्लामिक लॉ काजी कौन होते हैं जज, जज होते हैं वो इन दल्तनत तो काजी मतलब जज उलेमास मतलब इंटरप्रिटर इनका जो सारा का सारा पावर जो है अल्टीमेटली एक बंदे के हाथ में हुआ करता था वो था सदर उस उदूर एंड फिर ये सदर उस उदुर जो है ये दीवान रिसालत जो है इसका हेड हुआ करता था इन दैट कैपेसिटी इसके हाथ में ट्विन पावर थे जो भी सारे के सारे रिलीजियस ग्रांट जो है ये यही बंदा देगा एंड आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी इंपॉर्टेंट काजीज है सल्तनत ये यही बंदा अपॉइंट करेगा एंड ये वाली जो पोजीशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट थी चाहे तो गवर्नमेंट को कैसे भी पकड़ सकता ये हमको पता ही है तो ये बंदा भी सुल्तान के लिए हमेशा से हेडे हुआ करता था एंड बालबान ने इसकी पोजिशन रिड्यूस करना ट्राई किया था बट बालबान के टाइम इतना हुआ नहीं बट अलाउद्दीन खिलजी ने इलेबोरेट रिफॉर्म जो है कर दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया एक बेसिकली ये सदर उस जो है ये डिपार्टमेंट में चेंज कर दिया एंड फिर सदर उस सुदूर मतलब दीवान ए रिसालत के अगेंस्ट दीवान ए रिसालत जो है इसमें बेसिकली इसने अब दो जो बेसिकली ऑफिसर है वो अपॉइंट करने चालू कर दिए एक का नाम तो यही रहेगा सदर उस दूसरे का नाम रहेगा काजी उल कजत तो काजी उल कजत जो है नाउ ही चीफ जज एंड इन दैट कैपेसिटी अगर ये चीफ जज है तो जितनी भी जजेस की पोजीशन है सल्तनत में ये कौन अपॉइंट करेगा जितनी भी जजेस की पोजीशन है ये यह काजीजत करेगा एंड सिंस के पास ही पहले वो पावर थी अब वो चली गई तो बची हुई पावर जो है दैट इज रिलीजियस देने की पावर बस वही वाली पावर जो इसके अंदर रहेगी तो दीवान रिसालत उसके अंदर रहेगा इस सदर उजीजत काजी उल्जत उल उल जो है वो चीफ जज रहेगा इन दैट कैपेसिटी जितने भी जजेस का अपॉइंटमेंट है वो करेगा

एंड फिर इन दैट कैपेसिटी ये हम देख चुके हैं कि दीवाने रिसालत दीवाने रिसालत का बाय अब ना एनसीआरटी में क्लियरिफाइड नहीं है बट बस ऐसा याद रखना भी ठीक है तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो बात करके रखी है ओके वो बेसिकली दीवाने रिसालत के अंडर ही था दीवाने रिसालत के अंडर सदरुस सुदूर ये बेसिकली रिलीजियस लॉ एंड आफ्टर रिलीजियस ग्रांड देखेंगे काजी उल कुज़्ज़त वाज बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का हेड एंड इन दैट कैपेसिटी ये क्या करेगा ऑब्वियसली सारा का सारा जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो करेगा देर आफ्टर फिर दीवाने इंशा ओके okay? दीवाने इंशा जो है इट वाज बेसिकली दी हेड ऑफ द रॉयल कोरेस्पोंडेंस ओके ये जो रॉयल कोरेस्पोंडेंस होता है मतलब क्या हुआ सुल्तान का पैगाम है सुल्तान का फरमान है ये बंदे के पास या फिर ये कंसर्न अथॉरिटी के पास पहुंचाने का काम जो है ये हमेशा इंशा का होता था आफ्टर आफ्टर फिर बरीद एंड ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम अपॉइंट हुए थे तो दोज फ्रॉम द मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कारखाना अभी हमने बात की थी जो वकील दार के अंडर थी वकील दार को वकील सल्तनत से बेसिकली आपको ये नहीं करना है कोरोबोरेट नहीं करना है वकील अस सल्तनत जो है

तो पहले अगेन ये जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जो मैंने आपको सबसे पहले जो लिख के दिए थे उसको हमेशा से ही आपको याद रखना है वजीरत रेवेन्यू आफ्टर फिर अर्ज इज बेसिकली मिलिट्री डिपार्टमेंट बालबान के टाइम पर आया था दीवाने इज बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये किसके टाइम पर आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था दीवाने बंदागन ये स्लेव डिपार्टमेंट है जो किसके टाइम पर आया था तो ये बेसिकली आया था आपके इसके टाइम पर फिर वो तुगलक इसके अलावा फिर एक और डिपार्टमेंट है दीवाने अब ये किसका आप ढूंढोगे right? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स नहीं मिला तो रिप्लाई बट इन एनी केस अब ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है उनके फंक्शनरीज कौन होते हैं ये क्या काम करते हैं ये चीज अभी हमने कर ली सो so, देर फिर

तो ये बेसिकली नया सेक्शन जो उसने ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें ला के रखा था एंड डेट्स आई फिर ब्यूरोक्रेसी का बैलेंस जो है वो बिगड़ गया अब इतना इन डिटेल नहीं जाना है बस नाम याद रखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था स्टार्टिंग फ्रॉम 1298 हंड्रेड ऑनवर्ड जबकि उसकी पोजीशन कंसोलिडेट हो गई थी तो उसने जितने भी रिलीजियस ग्रांट या फिर जितने भी बेसिकली प्रीवियस सुल्तान ने दिए हुए गिफ्ट है

इंडिया को एक छोटे छोटे पीसेस में इसने डिवाइड कर दिया ये छोटे पीसेस को उसने बोल दिया इकता ये इकता अल्टीमेटली उसने दे दिया अपने मिलिट्री कमांडर्स को एंड फिर ये जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री कमांडर है जिनके पास इकता हुआ करते थे यही पर्टिकुलर इकता होल्डर को आप बोलोगे इकतेदार एंड फिर यही इकतेदार को आप बोलोगे मुक्ति या फिर वाली तो इकतेदार मुक्ति वाली ये सारी पोजीशन सेम हुआ करती थी तो फॉर एग्जाम्पल ओके बालबान जो है ये बालबान है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इल्ततमिश, यही पे थोड़ा सा ठीक से समझ आएगा बालबान जो है उसको इकतेदार बनाया गया था ऑफ था। तो इन दैट कैपेसिटी बालबान जो है इलतमिश के चिहल गनी में भी बैठा था सिंपल है एंड फिर वो बालबान जो है सिंस ही वॉज द इकतेदारो द मुक्ति एंड दर आफ्टर फिर वाली अभी पोजीशन चलती कैसी थी फॉर एग्जांपल आई एम सुल्तान एंड फिर आप मेरे एकदम कॉन्फिडेंट हो मतलब एकदम बढ़िया मेरे लिए काम करने वाले बंदे हो तो मैंने आपको क्या किया आपको एक पीस ऑफ लैंड को दिया है आपको मैंने एक पीस ऑफ लैंड दे के रखा है तो इन दैट कैपेसिटी मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट मिलिट्री कमांडर हो तो आप मेरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली इम्पोर्टेंट पोजिशन पे भी रहोगे आप कौन हो तो से फॉर एग्जाम्पल आप नाइब हो बट इन दैट कैपेसिटी आपके पास बदाओं का जो इकता है वो भी है तो इन दैट कैपेसिटी आप केदार भी हो इन दैट कैपेसिटी आप मुक्ति या फिर वाली भी हो तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बट सुल्तान जो है अपने इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर में उसने इंडिया बांट दिया नॉर्थ इंडिया यही इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर चिहल का भी पार्ट थे सिंस उनको इकता मिला था तो वो इक्तेदार भी थे एंड सिंस इक्तेदार को ये लोग वाली एन मुक्ति बुलाया करते थे ये लोग मुक्ति भी हुआ करते थे तो ये जो बेसिकली सेंट्रल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन है ऐसे चलता था एंड इन दैट कैपेसिटी फिर मुक्ति या फिर वाली इनको बोलोगे एंड फिर हर एक इक्ता जो है ये बड़ा बड़ा वाला जो इक्ता है इसको आप सूबा भी बोलोगे तो हर एक टू द सूबा एंड इन दैट फिर सुबह में सुल्तान जाएगा अपना लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन करेगा रेवेन्यू कलेक्ट करेगा अपना सैलरी जो है वो कट करेगा एंड बचा हुआ पैसा ऊपर सुल्तान के पास जो है वो भेज देगा एंड फिर यही बेसिकली इक्ता जो है इनिशियल लेवल पे ट्रांसफरेबल था बट इसको अल्टीमेटली हेरेडिट्री करने का काम किसने किया तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने तो फिरोज शाह मेड एकता हेरेडिट्री तो फिरोज शाह तुगलक ने जो इकता हेरिडेटरी किया था काफी सिग्निफिकेंट था इसी के वजह से अल्टीमेटली फ्यूडल टेंडेंसीज जो है सल्तनत में आ गई एंड यही फ्यूडल टेंडेंसीज की वजह से अल्टीमेटली पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोलैप्स हो गया एंडर आफ्टर ये जो आपका पूरा का पूरा सूबा या फिर एकता ये एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद इसके नीचे फिर अल्टीमेटली आता था आपका शिख सिंपल एंड फिर शिख जो है उसके नीचे अल्टीमेटली आता था आपका पूरा का पूरा परगना ओके okay, परगना के नीचे ये लोगों ने बहुत टाइम पे एक और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया था दैट इज चौरसी एंड चौरसी के नीचे अल्टीमेटली आता था विलेज ये विलेज लेवल पे ट्रेडिशनल लैंड होल्डर दैट इज खूट या फिर मुकादम ये जो है यही काम करते थे चौरसी के लेवल पे चौरसिया नाम का ऑफिसर जो है ये इन्होंने अपॉइंट करके रखा था परगना लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर था आमिल आमील जो बेसिकली उसके पास रेवेन्यू पावर भी हुआ करती थी मिलिट्री पावर जो है वो भी परगना लेवल पे उसके पास सर्टन हुआ करती थी शिक के हेड का ले था शिकदार ओके एंडर आफ्टर फिर सुबह इकता जो है वो बेसिकली इकतेदार इसी को आप बोलोगे मुक्ति इसी को आप बोलोगे वाली के अंदर हुआ करता था एंडायर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी सुल्तनत बस इतना ही जाना हर एक में अगर इन तो काफी बड़ा हो जाएगा सिंह यूपीएस इज आग विदिटेल ऑनली तो इतना जो है उतना ही बेसिकली आप याद रखो दैट विल बी मोर देन सफिशियंट

Thereafter, ताजिक या फिर तुरानी एंड आफ्टर हम लोगों को दो नए सेक्शन जो है वो भी मिले हैं हिंदुस्तानी हिंदू लोग जो है ये भी इसमें आ गए जैसे फॉर एग्जाम्पल अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मलिक नायक नाम का हम लोगों को हिंदू मिलिट्री कमांडर मिला है जिसने अल्टीमेटली थर्टीन ओ फाइव में मुगलों के अगेंस्ट जो है ये बैटल भी खेला था हिंदुस्तानी मतलब ये बेसिकली कन्वर्ट लोग हुआ करते थे ताजिक तुरानी जो है ये बेसिकली शिया से बिलोंग करते थे ईरान मतलब को या पर्शिया बोलोगे तो दैट वॉज अ इट तो ये टर्कमेनिस्तान वाले जो लोग हैं ये बेसिकली हमेशा रूलिंग अथॉरिटी हुआ करते थे ये जो है हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुआ करते थे क्शन ऑफ द नोबिलिटी हुआ करता था वर दर्ट एंड जिन जिन किंग ने मेरिटोक्रेसी प्रमोट की है तो मेरिटोक्रेसी फॉर एग्जाम्पल अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रमोट की थी एंड दोनों के टाइम पे हमको ये सेक्शन के पास इम्पोर्टेंट पोजिशन जाती हुई दिखाई दी है पोजिशन ऑफ द मुस्लिम हमेशा से ही अच्छी रही है सिंस इट वॉज अ इस्लामिक सल्तनत

और में अल्टीमेटली मैरिज अलायंस देवगी रूलर्स के साथ किए थे तो शेयरिंग ऑफ पावर वॉज ऑल्सो देर पोजिशन ऑफ द हिंदू सल्तनत के टाइम पे कभी इतनी अच्छी नहीं रही है एज फार एज सेंट्रल या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न बट लोअर एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर रूरल एरिस्टोक्रेसी में एंड फिर ट्रेड में हिंदुओं की पोजिशन हमेशा सी अच्छी रही है एंड फिर नेचर ऑफ स्टेट एंडर आफ्टर फिर नोबिलिटी आई होवरी थिंग इज क्लियर अगर कोई डाउट रहेगा यू कैन टाइप इट आउट फिर पोजिशन इस्लामिक स्टेट था इस्लामिक स्टेट में हम लोगों ने देख लिया है सारी की सारी चीजें जो यहाँ पे चलती थी फिर इम्पोजिशन ऑफ द जजियाब ये भी इलेबोरेटली मैंने आपके लिए कवर अप करवा दिया था वी हैव डिस्कस वोलिसी ऑफ जिम्मी एंड जिम्मी के साथ साथ फिर अल्टीमेटली जिजिया पहले एक जमाने में उशरफ हुआ करता था उशरफ का अल्टीमेटली जिजिया कैसे बना वो भी हम देख चुके हैं की पोजिशन भी इम्पोर्टेंट रही है इरानियन तो थे? थे, तो मतलब बेसिकली ताजिक एंडर आफ्टर फिर तुरानी ये दो ईरानियन सेक्शन है इनका भी पोजिशन हमेशा से ही सोसाइटी में इम्पोर्टेंट रहा है स्पेसिफिकली एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा का पूरा दे दिया है इम्पोर्टेंट चीजें मैंने थोड़ी लेबोरेटली डिस्कस की है कुछ कुछ चीजें स्कीप की है बिकॉज तो मैंने पहले लेक्चर में कवरअप करके रखी बट फिर भी अगर कुछ डाउट रहेगा देन ऑब्वियसली विलेट मी नो रही पोजिशन जिजिया की

But that will be it guys for the today's session. Again, it is a recorded session. When this upload be then PPT and Crux material will be uploaded on the Telegram channel. And if you have any query, then feel free to reach me at the Instagram. I know there is a delay on Instagram for 8-10 But type that out, I will definitely reply on it. Okay guys, so thank you so much. That will be it from my side.

I am trying to finish up by this weekend. Okay, guys. So, thank you so much. If there is any doubt, raega, then feel free to reach me, guys. Okay. Thank you so much, guys. Thank you. I'll be stopping the session now. Okay. Study IQ IS. Ab hui affordable.